भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। मेहरगढ़ पुरातात्विक विषय से महत्वपूर्ण काल है, जहां पर नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र सभ्यता के साथ की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलता पूर्वक पढ़ी नहीं गई। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए सब उत्सुक हुए। अब तक ये पता नहीं चल पाया कि कौन पहले आया था, इसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है बेगाजी डुकरे। 19वीं शताब्दी के पश्चात विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोण के आधार पर आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गए, और यही ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक है, जिसका संबंध आर्यों की आगमन से है। इस सभ्यता का नामकरण आर्यों की प्रारंभिक साहित्य वेदों पे किया गया है। कहते हैं कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म था या सनातन धर्म था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारे इस धर्म का नाम हिंदू हुआ। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं। कहते हैं कि वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच था। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों का भारत आने का ना तो कोई सुराग मिला है ना ही उनका डीएनए। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी सदी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। ईसा पूर्व 265 से लेकर 241 तक इस काल का सबसे सफल राजा माना जाता था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर मणिपुर तक था, कर्नाटक से लेकर तक्षशिला तक था, लेकिन वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका।